आज हम पेजाइजा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पेजाइजा एक फंगस होता है जो एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइसिटीज में आता है। एस्कोमाइकोटिना एस्कोमाइसिटीज दोनों सेम है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। एस्कोमाइसिटीज में जितने भी फंगस होता है उसमें एस्कोस्पोर्स बनता है, ठीक है। एस्कोमाइकोटिना में जितने फंगस होता है इस टाइप का, उसमें एस्कस बनेगा और एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स रहेंगे और हर स्पोर्स जो है बाहर निकलने के बाद जर्मिनेट करके नया माइसिलियम बनाता है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के ये कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अब एस्कोमाइसिटीज में पेजाइजा फंगस जो होता है उसको हम बोलेंगे कप फंजाई, क्योंकि इसका जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है कप फंजाई, ठीक है। और पेजाइजा जो है वो ज्यादातर रोटेन वुड्स मतलब सड़े हुए लकड़ी, एनिमल डंग मतलब गोबर, गोबर के ऊपर रेनी सीजन में ग्रो करता है। बरसात के मौसम में गोबर में और सड़े लकड़ी में पेजाइजा ग्रो करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक फंगस होता है, सेप्रोफाइटिक फंगस का मतलब होता है सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करना, ठीक है। अब थैलस को जब हम इसके थैलस को जब देखेंगे, थैलस मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ब्रांच्ड होता है, ठीक है। बहुत सारे सेल का बना हुआ होता है, बहुत लंबे फिलामेंट होता है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग पाया जाता है, हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ब्रांच्ड और यूनि न्यूक्लिएट फंगस होता है, ठीक है। तो इस फंगस को, ये फंगस जो है गोबर के ऊपर या सड़े हुए लकड़ी में पूरा बहुत ज्यादा जाल जैसा फैला हुआ रहता है और इस जाल के ऊपर इस टाइप के फ्लोटिंग बॉडी बनता है, ऊपर कप लाइक फ्लोटिंग बॉडी बाद में बनता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस समय, ठीक है। अब इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे। रिप्रोडक्शन जो है दो मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज्यादातर एब्सेंट रहता है, बहुत कम ही पाया जाता है, लेकिन जब होता है बाई कोनिडिया, कोनिडिया से होता है। जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें ऊपर की ओर कुछ हाइफी बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। कुछ हाइफी ऊपर की ओर बढ़ जाता है, अब बढ़ने के बाद ऊपर एक गोला का स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर्स। इसके डंडल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें कोनिडिया रहता है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, और ऊपर के भाग को बोलेंगे कोनिडिया। कोनिडिया चारों ओर मोटे वॉल का फॉर्मेशन करके रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन रहता है उस समय ये स्पोर जो है बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद इसमें जर्म ट्यूब निकलेगा और नया माइसिलियम बनेगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर एब्सेंट रहता है, जब प्रेजेंट रहेगा बाई कोनिडिया से होता है, और कोनिडिया जाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर कोनिडियोफोर, एक लंबा हाइफी लाइक स्ट्रक्चर ऊपर उठ जाता है जिसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर, उसके ऊपर स्पोर बनता है जिसको हम बोलेंगे कोनिडिया, ठीक है। अब कोनिडिया बाहर इससे कोनिडियोफोर से निकल जाता है, निकलने के बाद उससे जर्म ट्यूब निकलेगा, जर्म ट्यूब जो है वो डिवीजन करके नया थैलस बनाएगा। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें एंथ्रिडिया उगोनिया कुछ नहीं बनता है, ये सोमेटोगैमी से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगैमी, सोमेटोगैमी का मतलब क्या होता है, जैसे दो बहुत सारे माइसिलियम जाल जैसा फैला हुआ है, जाल जैसा बहुत सारे माइसिलियम फैला होता है, उसमें दो माइसिलियम जब आसपास आ जाते हैं तो दोनों के बीच के जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइसिलियम जब जाल जैसा फैला हुआ रहता है उसमें आसपास के दो हाइफी के न्यूक्लियस फ्यूज्ड होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होता है इसको बोलते हैं सोमेटोगैमी, ठीक है। तो सोमेटोगैमी से दो हाइफी के न्यूक्लियस फ्यूज होके डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। अब इस डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होके एक न्यूक्लियस से दो, दो से चार न्यूक्लियस बन जाता है। चार न्यूक्लियस बनने के बाद ऊपर के न्यूक्लियस के नीचे सेप्टा बन जाता है, नीचे के न्यूक्लियस के नीचे ऊपर सेप्टा बन जाता है, और बीच में दो न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। इससे जो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बना उसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होके चार न्यूक्लियस बना, ठीक है। चार न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस बीच में रहता है और दो न्यूक्लियस के बीच बीच में एक एक सेप्टा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं, इस दो न्यूक्लियस को हम बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। अब पेनल्टीमेट सेल जो है ये दो न्यूक्लियस बीच का जो है आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, आपस में
फ्यूज्ड हो जाते हैं। और ये जो एस्कस, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्कस। इस एस्कस जो है ऐसे हुक्स जैसा मुड़ जाता है, हुक जैसा स्ट्रक्चर में मुड़ जाता है और बीच में दो न्यूक्लियस रहते हैं, ऊपर नीचे एक एक न्यूक्लियस रहते हैं और बीच के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड हो गया, फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होता है, इस न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन से चार न्यूक्लियस बना। ठीक है, चार से माइटोटिक डिवीजन से आठ न्यूक्लियस, पहले मियोसिस होगा जिससे चार न्यूक्लियस बनेगा, अब चार न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, आठ न्यूक्लियस बना। ठीक है, ये आठों न्यूक्लियस को बोला जाता है एस्कोस्पोर, और ये जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोस्पोर रहता है उसको हम बोलेंगे एस्कस। ठीक है, इसको एस्कस बोलेंगे, इसके अंदर के स्पोर को बोलेंगे एस्कोस्पोर। ठीक है, अब बहुत सारे एस्कोस्पोर, बहुत सारा जितने माइसिलियम है बहुत सारे एस्कस बनेगा, बहुत सारे एस्कोस्पोर बनेगा, वो पूरे जितने भी एस्कोस्पोर बनेगा एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बंद हो जाता है, उसके चारों ओर फंगल के बहुत सारे हाइफी है इसको चारों ओर से घेर लेते हैं, घेर के अंदर एस्कस और एस्कोस्पोर्स रहता है। इसको जब हम सेक्शन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब साइड से जब काटेंगे तब इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, पूरे माइसिलियम जो है एक जगह जमा होकर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और पूरे जितने भी एस्कस बना इस माइसिलियम में, जितने भी एस्कस एस्कोस्पोर बना इस टाइप से इसमें सेट रहता है और कप लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एस्कस जो है एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स रहता है आठ, या एस्कस फट जाता है और एस्कोस्पोर्स बाहर निकल जाता है। ठीक है, और एस्कोस्पोर्स बाहर निकलने के बाद ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इसमें जर्म ट्यूब निकलेगा, जर्म ट्यूब जो है इसमें डिवीजन करके नया माइसिलियम बनाएगा। ठीक है, ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बना, इसके आसपास के हाइफी के न्यूक्लियस फ्यूजन करके, उसके बाद डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस जो उसमें डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन से एक से दो, दो से चार न्यूक्लियस बना, दोनों न्यूक्लियस बीच में रहता है, ऊपर नीचे एक एक न्यूक्लियस रहता है और एक एक सेप्टा बन जाता है। ठीक है, अब बीच के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा चार न्यूक्लियस बनेगा, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा तो आठ बनेगा, माइटोटिक से एक से दो बनता है और मियोसिस में एक से चार बनता है। ठीक है, अब इस जो जी बहुत सारे हाइफी, इतने हाइफी में बहुत सारे जो एस्कस एस्कोस्पोर्स बना वो एक फ्लोटिंग बॉडीज में बंद हो जाता है, मतलब इसके आसपास के जो माइसिलियम है इसको चारों ओर से घेर के इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम सेक्शन करेंगे, एलएस काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबवत काट, लंबवत सेक्शन जब काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये बहुत सारे हाइफी एक साथ जमा होकर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके ऊपर एस्कोस्पोर और एस्कस रहता है, और हर एस्कस के साइड में एक एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है पैराफाइसिस। ठीक है, ऐसे एस्कस एस्कोस्पोर और एक एक पैराफाइसिस साइड साइड में रहता है, ऐसा रहेगा। उसके बाद एस्कस जो है फट जाएगा, फट के इसके अंदर से स्पोर्स निकल जाएगा, स्पोर जर्म ट्यूब निकाल के जर्मिनेट करेगा और नया माइसिलियम बन जाएगा। ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको, इसके स्ट्रक्चर को हम, जैसे जो फ्लोटिंग बॉडी रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, एपोथीसियम। इस एपोथीसियम के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को और एक बार अच्छे से देखते हैं। ठीक है, एपोथीसियम को जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे, लंबवत काटेंगे, तो इसमें तीन भाग दिखाई देता है। सबसे ऊपर जो एस्कस एस्कोस्पोर्स रहता है और एक एक पैराफाइसिस साइड साइड में रहता है, उस भाग को बोला जाता है हाइमेनियम। इसको जब लंबवत काटेंगे तो सबसे ऊपर एस्कस, उसके अंदर एस्कोस्पोर और साइड साइड में पैराफाइसिस। ठीक है, यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे हाइमेनियम। ठीक, इसके नीचे जाल जैसा माइसिलियम फैला हुआ रहता है, ये जो माइसिलियम के ऊपर ही एस्कस एस्कोस्पोर बनता है ना, इसीलिए जो माइसिलियम है जाल जैसा, उस माइसिलियम को हम बोलेंगे हाइपोथीसियम। ठीक है, इसको हाइमेनियम, इसको हाइपोथीसियम, और हाइपोथीसियम से नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टॉक होता है। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी का स्टॉक, जैसे स्टॉक है उसमें फ्लोटिंग बॉडी लगा रहता है। ये स्टॉक को जब हम देखेंगे तो बहुत सारे हाइफी एक जगह जमा होकर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे रिसेप्टिकल। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी तीन भागों का बना होता है, हाइमेनियम, हाइपोथीसियम और रिसेप्टिकल, और इसके अंदर बनेगा एस्कस, एस्कस में एस्कोस्पोर और बीच बीच में एक पैराफाइसिस। ठीक है,
तो पेजाइजा का लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाता है।